नमस्ते आज मैं अपनी नई किताब हे राम टू जय श्री राम के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ आप पहली चीज़ ये होगी कि वाई दिस बुक ये बुक लिखने का कारण क्या था हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए 75 साल में क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया बहुत से बहुत जहाँ से खड़े थे और आज जहाँ खड़े हैं एक लंबा रास्ता तय किया है तो ऐसा लगा कि कुछ इवेंट्स को और कुछ डेट्स को प्राथमिकता दे के उसके अगल बगल उस समय क्या हुआ उस समय डिसीजन क्यों हुए ऐसे डिसीजन क्यों हुए इसकी बात करें दूसरी बात यह आई कि तो इसलिए 20 20 डेट्स को छाटा 20 इवेंट्स को छाटा और उसके अगल बगल ताना बाना बना थिंग वॉज कि किस भाषा में लिखूं क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं लेकिन जब नौकरी करने गए तो नौकरी अंग्रेजी में ही था मतलब जिसको कहते हैं कि जो रोजी रोटी थी वो अंग्रेजी में थी घर की भाषा हिंदी थी सारा काम अंग्रेजी में किया तो ये हुआ कि किस भाषा में किया जाए तो अंग्रेजी का को चुना उसके कई कारण हैं एक तो मैं अपनी बात बता दूं जो और खास करके जो अंग्रेजी बैकग्राउंड से काम करके आए हैं इट इज़ ईजियर एंड फास्टर लिखना आसान होता है टाइप करना आसान होता है और ये फास्टर भी होता है दूसरा मेरा एक ऑडियंस जो मैंने इतने दिनों में आपके साथ यूट्यूब पे बनाया है उस पर एक अच्छी तादाद अहिंदी भाषियों की है जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं वैसे भी देश में करीब 43 परसेंट करीब तैंतालीस परसेंट लोग ही हिंदी भाषा बोलते हैं बाकी नॉन हिंदी स्पीकिंग है तो मैं मेजॉरिटी के साथ रूप मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाता अगर मैं इसको केवल हिंदी में लिखता तो इसलिए तय किया कि अंग्रेजी में लिखेंगे हाँ कि हालांकि हो सकता है कि अगली बुक मेरी सिर्फ हिंदी में हो और उसके बाद फिर अंग्रेजी में हो कुछ इस तरह की बातें मन में हैं एक चीज़ यह है कि जो मैं ये बीस चीज़ों मैंने इसमें लिखी हैं वो मैंने अपने चश्मे से मैंने अपने पर्सपेक्टिव से जैसा उन चीजों को देखा उन हालातों को देखा उन इंसिडेंट्स को देखा वो मेरा व्यू है वो कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है उसके बाद मैं कैसे उसको परसीव करता हूँ वह है हो सकता है कि मेरा व्यू और आपका व्यू एक ना हो लेकिन आ, वो मैंने अपने व्यू से उसको लिखा है कोशिश ये की है कि बहुत से अननोन फैक्ट्स हैं बहुत से लिटिल नोन फैक्ट्स हैं कुछ पता है पूरा नहीं पता है सत्य की जैसा उनको आपके सामने रूबरू करने की कोशिश की है फिर जब ये ये किताब लिख ली तो ये था कि इसका फोरवर्ड किससे लिखाया जाए तो भाई इस समय देश में जो एक व्यक्ति जिसको जिसकी मतलब बुद्धिजीवी कहते हैं साहित्य के ऊपर पकड़ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर पकड़ पॉलिटिकल उसके ऊपर पकड़ जिसको मैं सबसे सर, आ, अच्छा मानता हूँ वो शशि थरूर साहब थे और शशि थरूर साहब से रिक्वेस्ट किया वो अग्री किए और उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा और जब फॉरवर्ड लिखे हैं तो आज की जो बेसिक थीम है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की बात भी उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं मेंशन की है और मुझे मैंने जो उनकी अभी नई जो किताब आई है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग मुझे उसकी झलक इस फॉरवर्ड में जरूर दिखती है फिर मैंने राजमोहन गांधी साहब को अप्रोच किया हुआ है अमेरिका में थे उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है भेजो मैं लिखता हूँ तो उन्होंने भी लिखा ये उनका प्रेम और मेरे लिए, लिए बहुत सम्मान की बात है मैंने प्रोफेसर आनंद कुमार से कहा प्रोफेसर आनंद कुमार और डॉक्टर संदीप पांडे से मेरा एक लंबा रिश्ता रहा है तो इसलिए मैं मतलब जिसको मैं कहता हूँ ना कि इनसे मैं कह सकता हूँ कि भाई आप लिख दीजिए और एक सतीश झा जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं एक ज़माने में अब अमेरिका में हैं उन्होंने इसका प्रलोभ लिखा है कि ये पूरी कथा को समेटा है किस रेफरेंस से लिखा गया है और सुंदर लिखा है मुझसे बहुत बेहतर लिखे हैं ये ये जितने लोगों के नाम ले रहे हैं अगर इनका कोई मैं दो चार परसेंट भी इनके बराबर पहुंच जाऊं तो मैं अपने को खुशनसीब मानूंगा अब मैं आपको बहुत जल्दी से चैप्टर जो बीस चैप्टर हैं उसका एक एक रफ वो दे दूंगा जल्दी से एक बहुत स्केची पिक्चर और कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर संडे को जैसे आज संडे है आज मैं अपनी किताब को लेकर आपके पास हूँ हर एवरी संडे मैं आपको एक जो मेरा चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा तो सबसे पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हे राम 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बारे में है उसमें बहुत से फैक्ट्स हैं उसमें लेकिन एक फैक्ट जो मैं काफी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी लेकिन मैं कुछ चीजें जो, जो जल्दी से शेयर कर ले रहा हूं उसमें नाथुराम गोडसे के बारे में है जो जिनकी परवरिश जो इनिशियली जो रेज हुए थे वो लड़की के तौर पे हुए थे उनका असली नाम रामचंद्र गोडसे था वो क्यों लड़की की तरह हुए और उनका क्या नाम था ये सब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल मिलेगा या आगे आने वाले एपिसोड में इसका डिटेल करूंगा दूसरा एपिसोड है वी द पीपल वो छब्बीस जनवरी उन्नीस पचास में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसकी कहानी है उसमें एक मैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जल्दी से आपको रूबरू कराता चल रहा हूँ उसमें आ, कई कहानियाँ उसमें एक कहानी इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे पहले कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी मतलब साझा संविधान सभा थी उसके मेंबर बने फिर कैसे वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हो गए और फिर कैसे वो फिर से हिंदुस्तान की कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हुए ये कहानी भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ऐसा मुझे लगता है फिर हम लोग आते हैं चैप्टर थ्री पे चैप्टर थ्री का नाम मैंने रखा है हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई इसलिए क्योंकि एक समय ये था कि हिंदुस्तान और चीन के बाद दोस्ती होगी लेकिन उस दोस्ती पे 20 अक्टूबर उन्नीस में पीठ में छुरा छुरा खो हो पा पाकिस्तान चाइना ने और उसमें बहुत सी कहानियां हैं लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको जब होगा हो वी के मेनन को जनरली विलन ऑफ दैट डिफीट बोला जाता है पर वी के मेनन द मोस्ट कॉम्पिटेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट वाई ही फेल्ड एंड हाउ ही फेल्ड इसकी भी कहानी आपको इसमें पढ़ने में मिलेगी uh, मेरा चैप्टर फोर जो है वो उसका नाम मैंने रखा है जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान uh, में मैंने 1965 की वॉर को समेटने की कोशिश की है और शास्त्री जी की जो डेथ है 11 जनवरी 1966 में वो कहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट uh, बहुत से उसमें आपको छोटी छोटी कहानियाँ मिलेंगी लेकिन एक इंटरेस्टिंग उसका इंसिडेंट है शास्त्री जी ने अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले कश्मीर में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोए मुक़दस मोए मुक़दस मतलब जो हज़रत बल में जो पैगम्बर साहब का जो वो रखा हुआ है बाल रखा हुआ है वो कैसे खोया था और उसको कैसे वापस लाने में शा, शास्त्री जी ने अहम भूमिका निभाई थी उस का उसकी बात की गई है हम मेरा चैप्टर फाइव जो है वो इंडिया ट्रम्फ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी वन वॉर की बात करते हैं 1971 नाइनटीन सेवेंटी वन को जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया उसमें एक है उसमें बहुत से आपको मिलेंगे लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपके साथ जल्दी से शेयर कर लूँ एक लैला जी हैं लैला जी पत्नी है मुजफ्फर हुसैन साहब की मुजफ्फर हुसैन साहब चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और उनको कैसे वो हिंदुस्तान में आते हैं वो लंदन में जाती हैं और कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जब वो पाकिस्तान की बागडोर संभालने जा रहे होते हैं उनसे लंदन एयरपोर्ट पे मिलती हैं और कैसे मुजी रहमान साहब के बारे में पता करती हैं वो सब इंटरेस्टिंग uh, uh, कुछ किस्से हैं चैप्टर सिक्स जो है वो है और मर्दों नामर्द बनो ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविता थी मैंने वहाँ से इसको उठाया है एमरजेंसी की बात करते हैं और ए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कैसे इंदिरा गांधी के के ऊपर वो ट्रायल चला कैसे राजना जी ने मुकदमा करा इत्यादि इत्यादि लेकिन उसमें एक स्टोरी ऑफ मन्ना लाल इस मन्ना लाल जी जो थे वो सेक्रेटरी थे जस्टिस सिन्हा के और कैसे लास्ट के दिनों में जब ऑर्डर टाइप हुआ तो कैसे उन्हीं के घर में सोए और कैसे वो और फिर बाद में उनको आई ने कैसे परेशान किया इत्यादि इत्यादि वो चैप्टर सेवन जो है वो संपूर्ण क्रांति उसका नाम दिया गया है संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति इसलिए कि वो जेपी का सपना था और दी कोलैप्स ऑफ जनता परिवार उस पर बात की गई है कि कैसे जनता परिवार पार्टी बनी फिर कैसे इमरजेंस हुआ फिर कैसे कोलैप्स हुआ और उसमें एक टर्निंग पॉइंट था 30 अक्टूबर 1977 अरेस्ट ऑफ इंदिरा गांधी बिकॉज मिसेस गांधी की जो एक स्ट्रेंथ थी ना वो लोगों की नब्ज पहचानती थी कि कहाँ पे कितनी नब्ज क्या देखनी है वो मुझे इंदिरा गांधी से बेहतर बहुत कम लोग मिले हैं जो इंदिरा गांधी जैसे लोगों के, की जनता की नब पहचान पाए चैप्टर एट है कपिल द जवाब नहीं कपिल द जवाब नहीं बेसिकली 25 जून 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप पहली बार जीता था क्रिकेट का उसकी स्टोरी है लेकिन उसमें कुछ स्पोर्ट्स को भी समेटा है जो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स हैं उसमें एक मूविंग इंसिडेंट आपको सुन के अच्छा लगेगा पढ़ के अच्छा लगेगा जब जर्मनी के साथ हम फाइनल खेल रहे थे मूनिक ओलंपिक में उसमें एट वन से जर्मनी को हराना हिटलर का ध्यानचंद जी को बुला के अपने फौज में नौकरी देने का ऑफर देना और ध्यानचंद जी का उसको मना करना वो वो मूविंग चीज़ें हैं देश के लिए इन लोगों ने बहुत किया है चाहे ध्यानचंद जी हों चाहे उस समय के जितने सुंदर संग्राम हो इन्होंने अपने ढंग से देश की सेवा की है चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन है वेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स ये बेसिकली इंदिरा गांधी की जब हत्या होती है उस समय के किससे बताते हैं 30 अक्टूबर 1984 की बात है इंदिरा गांधी की हत्या उसके पहले का काफी कुछ है इसमें लेकिन एक इंसिडेंट जो जिसका मतलब आपको अजीब सा लगेगा प्राइम मिनिस्टर के घर पे 1984 की जब बात हो रही है तो देश को आजाद हुए सैंतीस साल सैंतीस साल हो गए थे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ एक एम्बुलेंस 24 घंटे खड़ी रहती थी मैं ड्राइवर म ही सबके कि भाई अगर कुछ हो जाएगा तो इस एम्बुलेंस में उसको डाल के ले चलेंगे अस्पताल जिस दिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोली मारी जाती है उस एम्बुलेंस के ड्राइवर साहब चाय पीने गए हुए थे और इंदिरा गांधी उस एम्बुलेंस से नहीं गई थी वो एक एम्बेसडर कार में कैसे आ वो इंसिडेंट सबको पता है खैर वो वो एक उस कहानी को मैंने पिरोने की कोशिश की है चैप्टर नंबर दस चैप्टर नंबर दस में है कैंपेन अगेंस्ट करप्शन ये वीपी सिंह जी की कहानी है वीपी सिंह जी ने जब बफोर्स का वो मुद्दा उठाया और फिर कैसे वो 1989 में आए उसमें एक इंटरेस्टिंग बाकी तो है बहुत कुछ है इसमें कैसे कैसे वीपी सिंह ने बने कैसे चीफ मिनिस्टर हुए कैसे केंद्रीय मंत्री हुए कैसे राजीव गांधी के साथ उनके सबसे एक समय सबसे कॉम्पिटेंट मंत्री माने गए फिर कैसे मंत्रिमंडल छोड़ा लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जो आपके साथ शेयर कर लो 1984 में अमिताभ बच्चन ने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर राजीव गांधी के मित्र थे इलाहाबाद से वो उस समय रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे वन लैख एटी सेवन थाउजेंड सेवन नाइनटी फाइव वोट एक लाख सतासी हजार सात सौ पंचानबे वोट थे उनको टोटल वोट मिले थे सिक्सटी एट पॉइंट टू परसेंट टोटल वोट्स पोल का विच स्टिल रिमेन्स अ रिकॉर्ड 1984 में वो थे आज 38 साल बाद भी उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया जबकि मेरे ख्याल में जो मतदाता हैं वो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उस रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड अभी भी वो स्टैंड करते हैं चैप्टर 11 है इंडिया अनशेकिल्ड इंडिया अनशेकिल्ड वह है जब हम लोग खोल मतलब अपनी बाज़ार खोल रहे थे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे ये उस समय की बात है हर्षद मेहता साहब का स्टॉक्स स्कैम जो है जो इसने देश के पूरे बाजारी को हिला दिया था उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज छोटी सी बहुत सी इसमें आपको किस्से मिलेंगे मैं तो कुछ कुछ किस्से उसके बाद एक कुछ नहीं एक किस्सा कुछ बता दे रहा हूं हर चैप्टर में कुछ आपको इस तरह के नए होंगे नरसिम्हा राव अदर देन उनको कोई सोलह सत्रह भाषाएं बोलने आती थी लेकिन एक रिकॉर्ड उनके नाम से और है दी पॉलिटिशियन जो चार स्टेट से जो लोकसभा का चुनाव जीते अभी तक अभी तक कोई भी चार स्टेट से लोकसभा का चुनाव अलग अलग नहीं जीत पाए हैं इन्होंने हनमकोंडा तेलंगाना नांदियाल, आंध्र प्रदेश रामटेक महाराष्ट्र और रामपुर, उड़ीसा चार जगह से ये लोकसभा का इलेक्शन जीतने वाले अकेले पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के रहे हैं। चैप्टर बारह जो है उसका नाम ही है राम कहानी ये राम कहानी वही है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन 6 दिसंबर 1982 में और उसके बाद की कहानी उसमें एक एक छोटा सा उसमें सारा डिटेल तो मिलेगा एक आपको इंटरेस्टिंग वो बता दें जो उसके जज साहब थे जो वहाँ पे अयोध्या के जज थे कृष्ण मोहन पांडे जी जिन्होंने 1986 में मंदिर का दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर किया था उनका कहना था कि एक लंगूर उनके स्वप्न में आया था उनके सपने में आया था और उनको लगा था कि ये ईश्वर की तरफ से ये उनको इंडिकेशन दिया गया और वो बेसिकली वो ये कहते हैं किताब में लिखे हैं वो कि उसकी वजह से मैंने दरवाजा खोला था चैप्टर थर्टीन है पोखरण टू पोखरण टू ग्यारह मई नाइनटीन उसमें पोखरण के टू का डिटेल है कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ बहुत से डिटेल है लेकिन मैं एक छोटे से इंसिडेंट को अप्रैल उन्नीस उससे पहले से शुरू किया है क्योंकि ये तो पोखरन टू कैसे हुआ लेकिन 13 अप्रैल 1984 इसलिए इंपॉर्टेंट है उस दिन हुआ था ऑपरेशन मेघदूत कितने लोगों को याद है मुझे नहीं मालूम ऑपरेशन मेघदूत का मतलब ये था कि हमने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जाके उस पर कब्जा किया था और हमारी पोस्ट बैठी थी क्योंकि अगर दो चार दिन की देरी हो जाती तो उधर से पाकिस्तान की तरफ से जहां से रास्ता सियाचिन ग्लेशियर का कंपरेटिवली बहुत आसान है हिंदुस्तान के मुकाबले हमारे यहां से बहुत स्टीप है वो हो सकता है दो चार दिन की देरी में उन लोग कब्जा कर लिए होते हिंदुस्तान के पास उस तरह के कपड़े नहीं थे उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे ये बैसाखी वाले दिन तेरह अप्रैल के सुबह उनको ये कपड़े आते हैं और उसके बाद हिस्ट्री वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर चौदह जो है वो इंपॉर्टेंट है वो है नो वन किल्ड सोहराबुद्दीन सोहराबुद्दीन आपको अगर याद हो उसके बाद उस पर कई केसेस हुए कई हुए वो एक लंबा उसका वो है वो सब आपको इसमें मिलेगा लेकिन गोधरा जो 27 फरवरी 2002 में हुआ था उसमें एक चीज़ आपको इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट बता दे रहा हूँ संजीव भट्ट नाम के एक आई अफसर थे जो इस समय जेल में है उनको सजा दी गई है कि उन क्या क्या था उसमें वो एक एक अलग उसका डिटेल भी इसमें है लेकिन उनकी क्लोजनेस टू उस समय के गुजरात के एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब तुषार मेहता से उनकी क्लोजनेस की कहानी भी इसमें है जो अब तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है चैप्टर पंद्रह मनरेगा के बारे में है मनरेगा के बारे में कैसे मनरेगा 26 नवंबर 2008 में लागू होता है कैसे उसकी वजह से कांग्रेस 2009 में इलेक्शन जीतती है और कैसे आरटीआई आता है इत्यादि इत्यादि ये चैप्टर 15 की बात है चैप्टर 16 में इम्पोर्टेंट है मैं अन्ना उस चैप्टर का नाम है मैं हूँ अन्ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन और एडवेंट ऑफ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं सारे इसमें बहुत से इंसिडेंट आपको मिलेंगे बहुत से छोटे छोटे लेकिन एक चीज मैं मैं उन चीज़ों को छूने की कोशिश किया है जो बाद में शायद आपके दिमाग में आए कि अच्छा अरे ऐसे हुआ था जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था जिससे आम आदमी पार्टी निकली हो जो अन्ना उसको लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल ही सब लोग थे इन्होंने अक्टूबर दो के इलेक्शन में जो जो पहले पार्लियामेंट्री मतलब पहले किसी पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों ने किसी कैंडिडेट का सपोर्ट किया उनका नाम अजय चौटाला साहब था और अजय चौटाला साहब को दो ही तीन साल बाद उनके पिता के साथ एक वो जो रिक्रूटमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाले में कारावास हुआ वो लंबी सजा उन लोगों को हुआ था वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अपेल्ड हुआ था उनका प्रचार करने इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दो हजार में जा रहे थे ये उनका पहला वो था चैप्टर सत्रह में इंडिया मोडिफाइड मोदी जी मा, मोदी माय हो गया और 26 मई 2014 में मोदी जी ने इलेक्शन जीता और उसमें बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं सोशल मीडिया का कैसे यूज हुआ कैसे सोशल मीडिया से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की कहानी भी उसमें है चैप्टर 18 का नाम ही है ड्रेकोनियन डिमोनेटाइजेशन क्योंकि आज की तारीख में कहे कोई कुछ भी जो देश के व्यापार और बिजनेस की जो कमर टूटी है उसका कहीं ना कहीं ये जो डिमोनेटाइजेशन था जो 2016 में किया गया 8 नवंबर 2016 में उसका तो या, उसका तो एक बहुत बड़ा रोल है एक इंटरेस्टिंग इसमें और एक आपको के साथ शेयर कर लूँ एक स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई हमारे मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की और वो 182 मीटर स्टॉल है ये 182 की सिग्निफिकेंस ये है कि गुजरात विधानसभा में 182 एट्टी हैं उनके टोटल जो विधानसभा हैं 182 एट्टी हैं उसी की वजह से 182 एट्टी टू मीटर्स हाई इसको बनाया वहां से इसको रिलेट uh, किया है चैप्टर 19 जो है वो वो है प्रधान सेवक टू तो प्रधान सेना सेनापति हमारे मोदी जी जब आए थे तो प्रधान सेवक थे अब वो प्रधान सेनापति के रोल में है तीस में मई दो में मोदी जी सेकेंड टर्म में आए लेकिन उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी एंड पीडीपी गवर्नमेंट इन कश्मीर एक मार्च 2015 में हुई उसके पहले उस पर बहुत से दो महीने तक विमर्श चलता रहा कि क्या होगा क्या होगा लेकिन पीडीपी के साथ पावर शेयर करके बीजेपी ने वहां सरकार बनाई थी उसके डिटेल्स भी हैं चैप्टर 20 आखिरी चैप्टर है जिसमें जिसका नाम ही है जय राम क्योंकि वहीं से खत्म हो रही है किताब तो जय श्री राम पांच अगस्त 2020 में मोदी जी ने वहां जाके पूजा की और उसके बाद एक तरह से फॉर्मली वो बनना शुरू हो गया मंदिर उसमें दो तीन प्रश्न उसमें वो डिटेल खूब है आपको बहुत से इंसिडेंट मिलेंगे केवल ये नहीं है मैं आपको केवल एक दो उसके इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो जो ट्रस्ट बना है ना वो सरकार के मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सरकार ने बनाया है कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है उस पूरे ट्रस्ट में पंद्रह लोगों में एक भी महिला नहीं है क्या इस देश में महिला की कोई भागीदारी नहीं होगी दूसरा एक जो मतलब उसमें कई चीजें मैंने प्रश्न उठाए हैं लेकिन एक प्रश्न जो जो मुझे नहीं समझ में आता है कि एक सरकारी ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि डीएम एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा उसका लेकिन वो हिंदू डीएम होना चाहिए अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका डिप्टी होगा जो अगर हिंदू है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है ये देश जो एक सेकुलर देश है उसमें इस तरह की कंडीशन डालना कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिकली हमारा जो सेकुलर वो है उसको चुनौती दे रहा है मैं तो ये कहूँगा किताब करीब 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 400 पेज की है बड़ी किता, लंबी किताब हो गई है लेकिन आ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी हो सकता है कि मेरे व्यूज़ और आपके व्यूज़ बिल्कुल एक डिग्री फ़र्क हों लेकिन वो मेरे व्यूज़ हैं मैं आपके व्यू का आदर करूँ आप मेरे व्यू को समझने की और उसकी कोशिश करें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको पहली बार सुनने को या उस परिपेक्ष में आप पहली बार देख रहे होंगे और आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा और आपसे आग्रह है कि ना केवल इसको अमेजॉन में ये किताब उपलब्ध है आप डायरेक्ट भी मुझसे मंगा सकते हैं दोनों तरह से डायरेक्ट मंगाएंगे तो मैं सिग्नेचर करके भाई अपना दे दूंगा अमेजॉन से सीधे मंगा सकते हैं लेकिन मेरा आपसे आग्रह यह है कि केवल एक किताब मत करिए किताब अगर आप चाहते हैं पढ़ने के बाद किताब पढ़िए लेकिन अगले कम से कम एक वर्ष तक अगर कहीं जाइए तो बजाय बुके देने के और फूल देने के इस किताब को अगर कहीं आप गिफ्ट के रूप में उपहार के रूप में देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर उस नौजवान को हर उस लोगों को पढ़ना चाहिए जो हिंदुस्तान के इस पचहत्तर साल की जर्नी को एक जिसको कहते हैं ना रोड साइड व्यू बग उसमें महसूस होते हुए देखा है उसको कैसी जर्नी हुई है उस जर्नी का हिस्सेदार होना ज़रूरी है आ, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अगले संडे को फिर चैप्टर वाइज अब आपके साथ एक रूब, रूबरू होऊंगा जिसमें थोड़ा चैप्टर के बारे में बात करते रहेंगे धन्यवाद